और रोकती रहती है नहीं ब्रेक रुक और ब्रेक रुक है नहीं इसकी। अरे इसकी चाबी नहीं है। जाओ जाओ जाओ। वो साला लेके भाग गया। वो रुकती नहीं है ये। ये फिट हो गया कि नहीं? और लात फंसी उसकी है कि? परे करे नु टैंकर नु तो बेल्ट पा खिंची है यार। एक घंटे दे ना पुलिस आई है तो ना ही एम्बुलेंस पहुंची टाइम दे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। खड़े टैंकर से जा टकराया ट्रक, मौके पर मची अफरा तफरी, कैबिन में फंसा रहा ड्राइवर। जाम है गाड़ी, हैंड ब्रेक है नहीं इसकी, हैंड ब्रेक नहीं है। और रोकती रहती है नहीं ब्रेक रुक और ब्रेक रुक है नहीं इसकी। बेल्ट लाना, हटा रहे हैं बैं इसको और आगे संगली लेके आओ। ए कब आगे ले जा किनारे फेंक दे। और रुकती नहीं है ये फिट हो गया कि कहीं? ब्रेक नहीं लग रही ना उसको करने दे, पहले संगल डालने दे। सड़क पर मची अफरा तफरी, रोड पर बिखरा सामान और बदहवास हालत में गाड़ी में फंसा ड्राइवर। ये घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। ड्राइवर है राकेश कुमार, जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुंचाया है। ये घटना 18 मई की है, जहां हर तरफ बस भगदड़ मची है, वो भी इस ड्राइवर को बचाने के लिए। दरअसल राकेश ने बताया कि एक ट्रक उनके आगे आगे चल रहा था और थोड़ी दूरी पर एक वाटर टैंकर खड़ा था। थोड़ी देर में ही इस ट्रक ने सामने खड़े वाटर टैंकर में टक्कर मार दी, जिसकी वजह साफ नहीं हो पाई कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। माना जा रहा है कि या तो ड्राइवर नींद में था या फिर गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आई होगी, क्योंकि ऐसा कोई भी ड्राइवर जानबूझकर तो नहीं करेगा। इस घटना के बाद वाटर टैंकर का ड्राइवर घबरा गया और गाड़ी की चाबी वहां से लेकर भाग गया। राकेश कुमार, जिनकी गाड़ी इनकी गाड़ी के पीछे थी, उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और वहां बाकी ड्राइवर भी इकट्ठा हो गए। गाड़ी में ड्राइवर फंसा हुआ था, उनकी दोनों टांगे कैबिन में फंसी पड़ी थी। सभी ड्राइवरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। मौके पर ड्राइवर को बचाने की कवायद शुरू हुई। पहले तो टैंकर को साइड करने की कोशिश की गई, लेकिन चाबी ना होने के कारण ड्राइवरों ने कोई जुगाड़ लगाना शुरू किया, तो सामने एक लोहे की सुई जैसी चीज से टैंकर को स्टार्ट किया गया और फिर उसे हटाया गया। ये करते करते करीब एक घंटा हो गया, लेकिन ना तो मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और ना ही पुलिस। इसके बाद साथ ही खेत में खड़े एक जेसीबी की मदद से कैबिन को तोड़कर ड्राइवर को सबने मिलकर बाहर निकाला। डेढ़ घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गांव वालों की मदद से ड्राइवरों ने घायल ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाल दिया था। सोचिए, अगर सब मिलकर यहाँ हिम्मत और कोशिश ना करते तो इतनी देर में तो ड्राइवर की जान भी जा सकती थी, जो अक्सर होता भी है। देरी के कारण ही कई जाने चली जाती हैं। ड्राइवर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। हादसे में ड्राइवर अपनी दोनों टांगों को गवा चुका है। सबकी मदद से और साहस से ही ड्राइवर की यहाँ जान बच पाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर।